दया देवस्थानम बोर्ड पर बवाल आखिरकार कब खत्म होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज उत्तराखंड यही पूछेगा कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहा विरोध आखिरकार कब खत्म होगा। तीर्थ प्रवृत्तियों की नाराजगी विरोध प्रदर्शन का नया रूप अख्तियार कर चुकी है। जहां लंबे वक्त से शांति से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, नाराजगी जताई जा रही, तीर्थ पुरोहितों ने देहरादून पहुंचकर मंत्री आवास पर धावा बोल दिया और मंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। वैसे जहां तक मंत्री आवास का मसला है तो देहरादून की यमुना कॉलोनी है जहां पर सभी मंत्रियों का आवास एक ही जगह पर है, एक कॉलोनी है, और तीर्थ पुरोहितों ने रणनीति के तहत इसका घेराव किया। तीर्थ पुरोहितों ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार देवस्थानम बोर्ड के जरिए तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक पर, उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, उन्हें छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जबकि सरकार का पक्ष यह है कि तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए और पर्यटन तीर्थाटन की नजरिए से भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहूलियत के हिसाब से बोर्ड में बदलाव करने के लिए भी तैयार है, पर तीर्थ पुरोहितों ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं। अब ऐसे में चुनाव का वक्त नजदीक है तो क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी? आप इस मसले को कुछ यूं समझ लीजिए जैसे किसान आंदोलित थे, हैं। किसानों की मांग 3 कृषि कानूनों के बिल को लेकर है और वो सरकार ने, मोदी सरकार ने कदम पीछे खींचा। अब ऐसे में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो राज्य सरकार से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर अपने कदम पीछे खींचे। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नाराजगी भारी पड़ सकती है, बीजेपी भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। अब नई डेडलाइन दे दी गई है कि समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा 30 तारीख तक। तो ऐसे में इसका खामियाजा क्या वाकई बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बीजेपी पर पड़ेगी भारी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जल्दी से यह रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने लंबे समय से चले आ रहे देवस्थानम बोर्ड का विरोध अब और तेज कर दिया है। अब तक चारों धामों में तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया और बोर्ड को तत्काल रूप से भंग करने की मांग की है। राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने जब मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना देना शुरू किया तो मंत्री जी उनको मनाने के लिए बाहर आ गए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों से अपील की कि वो 30 नवंबर तक का इंतजार करें और सरकार उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेगी जो तीर्थ पुरोहितों के सकारात्मक निर्णय के रूप में देखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहले भी तीर्थ से 30 नवंबर तक इंतजार करने को कहा गया था और अभी 30 नवंबर तक मांगा गया समय पूरा होने में काफी समय बचा हुआ है। अबला पर नहीं होना चाहिए 30 नवंबर कायदा मुख्यमंत्री जी और मैं केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, कायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी, तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार अपने तय वादे को भूल रही है। आपको बता दें कि चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हुकूकधारी महापंचायत की बैठक देहरादून में हुई थी, जिसमें चारों धामों से जुड़ी पंचायत और मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहित आने वाली 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2019 को राज्य कैबिनेट से श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के विरोध में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हुकूकधारियों इस तारीख को काला दिवस के रूप में मनाकर अपना विरोध जताएंगे। 27
सितंबर को ये सभी गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप फिर कहते हैं कि हम देवस्थान बनाएंगे, देवस्थान बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? देवस्थान आप विकास करो, विकास का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ की पूजा पटल पद्धति है, जैसे माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ है, माँ गंगा का गंगोत्री मुखी मठ में, केदारनाथ का उखी मठ में, बद्रीनाथ का जोशी मठ में, लेकिन आज आपने तीर्थ पुरोहितों को शीतकालीन प्रवास में हमने पूजा और पाठ करने थी, लेकिन आज आपके यमुना कॉलोनी आपके गेट के सामने सारे तीर्थ पुरोहित समाज जो है वहाँ पे खड़े हो रखे, आपके अभी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल जी के पास है, धन सिंह रावत जी के पास है, हरक सिंह रावत जी के पास, उनके गेट के बाहर जो है पुरोहित लोग बैठना चाहे। और आपके संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से एक दूसरी बात जो आपने अभी नहीं, 39 दिन तक तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांध के चारों धाम में पूजा पाठ किया, इसका बड़ा सबसे बड़ा अभिशाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, पक्ष उस पर अपनी राय न दे, ऐसा कैसे संभव सकता है? तो सुनिए इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का। संविधान स्पष्ट कहता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है सरकार, जनता कह रही है कि हमको नहीं चाहिए, तो आप थोप क्यों रही है? आपका क्या हित है कि आपको अंबानी के बेटे को उस बोर्ड में लाना है, आपको पूंजीपतियों को लाना है, आपको हक हकूक धारियों की चिंता नहीं है, आपको पंडा पुरोहितों की चिंता नहीं है, उत्तराखंड के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की, आपको पूंजीपतियों की, आपको बिल्डर्स की, इनकी चिंता है, इसलिए आपने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। अगर जनता के हित में और चारधाम के हित में होता तो जब वहाँ के पुरोहित इस पर ऐतराज़ किया तो आप तत्काल उसको रद्द करते। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सच में 30 नवंबर को सरकार तीर्थ पुरोहितों के हित में कोई फैसला सुनाती है, या वक्त से आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। तो सीधे तौर पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी क्या वाकई पड़ेगी भारी? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमान जुड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। आपको बताएं कि आज हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी, साथ ही लखपत बड़ोला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे हैं। लेकिन खास तौर पर हमने इस कार्यक्रम में आज आमंत्रित किया है बृजेश सक्ती जी को जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी, सत्ता में आप हैं, सवाल आप ही से, क्या वाकई तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो जायज है या फिर नहीं? देखिए, जब ये बोर्ड बना था तो उसके पीछे जो मंशा थी बहुत बहुत ही खूबसूरत विचार था उसमें कि क्योंकि प्रगति देनी थी पूरे चारों धामों को, इसलिए बोला गया था कि उससे ज्यादा प्रोग्रेस होगी कि जो हम लोग उसका कलेक्शन करेंगे, और लेकिन तीर्थ पुरोहितों के लिए भी एक अच्छी सैलरी और उनके जो भी उनकी सुख सुविधाएं थी वो सब चीजों के लिए करा गया था। जब तीर्थ पुरोहितों को सब कुछ मिलता था तब वो लोग नीचे से लोगों को लेके जाते थे और उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। मंशा का जिक्र नहीं किया, मैंने पूछा कि इनकी नाराजगी जायज है या फिर नहीं। जी, अब नाराजगी तो देखिये ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनके हिसाब से वो नाराज है उनकी ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से हम कहते थे ये बोर्ड गलत नहीं है बनना, लेकिन उनको ये चीजें आपको पूरा मौका दो साल में इस बोर्ड की उपलब्धि तो बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड ब्रजेश जी, अभी मैं आपके बोर्ड की एक सेकंड प्लीज मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैंने इसलिए आपको आमंत्रित किया, जरा सत्ता पक्ष है क्योंकि जवाब उसी से लेना है मुझे, एक सेकंड बोलिए सीमा जी। जी, हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ करने का कोशिश करी और आगे भी करते रहेंगे, ये तो शुरुआत थी, आगे बोर्ड की उपलब्धि बताएंगे मैडम देने का, क्या उपलब्धि हासिल की आपने? देखिए रोड कितनी अच्छी हो गई है, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं लोग, अब पहले कैसे जाते थे? अच्छा, पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं होती थी, पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं होती, पहले कैसे जाते थे? अच्छा, तो अब तो देखिए कितना इजी हो गया सब कुछ कर जाना। अच्छा, हेलीकॉप्टर से यात्रा कितने लोग आ रहे हैं, इसलिए देवस्थानम बोर्ड बनाया आपने? नहीं, देवस्थानम बोर्ड तो मैंने बोला ना कि देवस्थानम बोर्ड तो किसी अच्छी बुलाया था कि अच्छी तरीके से उसको हम प्रगतिशील बना सके उसको मैडम चारों धामों को, लेकिन अगर इनको का मतलब समझते हैं आप, अगर वो नाराज हो गए, देखिए वो सत्ता दल विपक्ष कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं है, वो अगर उनका श्राप लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
तैयार है उसके लिए आप? आप तो कहिए हम लेते ही नहीं, वो हमारे पूजनीय यार, बड़े ही पूजनीय है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि हमने उनके हित के लिए फैसला किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए जब से आपने बोर्ड का गठन किया है उनके हित में क्या फैसला हुआ? उसके बाद तो दो साल से तो कोरोना ही चल रहा है, क्या हित होगा उसमें ज्यादा? अच्छा, होना था, अब हमने करना था उस पे काम, कदम वापस खींचेंगे। आपके थ्रू इनको नहीं समझा पा रहे आप, आपने कहा ना हम नहीं समझा पा रहे, कदम पीछे खींचेंगे। आपके थ्रू एक बात बोलूंगी, अगर हमको किसी चीज की परेशानी होती या हमको उससे एग्री नहीं होते तो हम एक बार जरूर कहते कि हमारे को यहाँ प्रॉब्लम है, ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं हटा दो, ये इनको कहना चाहिए था कि ये पॉइंट्स उसमें ऐड करो, या ये कानूनों को लेकर आपने यही कदम उठाया, आपने वापस लिए, कदम पीछे खींचे, आप नाराजगी दूर नहीं कर पाए। कृषि कानून भी बहुत खूबसूरत कानून थे, ये बात बाद में रियलाइज होगी उन लोगों को, लेकिन ये बात रियलाइज आपको हो रही है तो आपने कृषि कानून वापस लिया ना। ओके ब्रिजेश सती जी, वो कह रहे हैं कि कानून, एक सेकंड आप ही की बात ले जा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर समस्या है तो वो समस्या बताइए, उसका समाधान होगा, बोर्ड तो भंग नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं बोला हमने, नहीं, ये बोला कि अगर आप बातचीत से बात करते तो हम लोग जरूर उस चीज का सोल्यूशन बहुत पहले निकल जाता। देखिए आप अड़ियल शब्द का उपयोग करना तो बंद कीजिए, ठीक है ना, और ये बातचीत से बातचीत की बात आप जो कह रही हैं, दो साल हो गए, 27 नवंबर को 2 साल हो जाएंगे हमारे आंदोलन धरना प्रदर्शन का, ठीक है ना, अभी तक आपकी सरकार ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है, आपकी सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए तीर्थ पुरोहितों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज तक के चारों धामों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 साल तक 24 महीनों से जो है तीर्थ पुरोहित चारों धामों में धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आपको ये उचित लग रहा है? आपके भाजपा की किस तरह की कथनी करनी है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जब केरल तमिलनाडु आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपके पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने केरल की एक सभा में सार्वजनिक रूप से कहा था वहां के मुख्यमंत्री विजयन से कि आप केरल के मंदिरों को मुक्त कीजिए। मैं यहां सभा में कहना चाहता हूं और यदि आप नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम मुक्त करेंगे। तमिलनाडु के घोषणा पत्र में आपकी पार्टी ने कहा कि हम यहाँ के सारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे, और उत्तराखंड में आप जो है सरकारी 51 मंदिरों का आप सरकारीकरण कर रहे हैं। तो आपकी कथनी और करनी किस तरह की है तो सब जनता ने देख लिया है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। और लगातार हमें सीमा मैडम जल्दी से जवाब दीजिए फिर मैं सवाल लूंगा ब्रिजेश जी आगे आपसे। जी सीमा जी जवाब दीजिए। मैंने जैसे बोला आपको कि हमने जो बोर्ड बनाया था हमारी नीयत अच्छी थी, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा था कि या अभी भी लग रहा है कि हमको कुछ उसमें जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए तो आप बोल देते, लेकिन अगर आप यही कहते हो कि बोर्ड भंग होना चाहिए तो देखिए उस पे भी विचार चल रहा है, अभी 30 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है। 2 साल से आप लोग अपनी नाराजगी जता रहे, कितनी बार बैठक हुई सरकार? देखिए 2 साल से तो सर कोरोना निकल गया, 1.5 साल तो कोरोना में ही निकल गया, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो। इनकी नाराजगी वाजिब है या नहीं वो तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ, आप बता नहीं रहे, लेकिन इनसे पूछ तो दो साल में कितनी बार आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? उसी जगह खड़ी हूँ ना जो सरकार है, तो मैं तो ऐसे कैसे कह दूं कि वाजिब है? मैं ये जरूर कहती हूँ कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ नहीं मनाया, केवल 11 सितंबर को इसी साल 11 सितंबर को पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल करते हुए हमारे चार धामों के तीर्थ पुरोहितों को बुलाया और हमें बातचीत के लिए आश्वासन दिया, क्योंकि उस समय हमारा धरना प्रदर्शन बड़ा तीव्र था और इनको मालूम था कि चारों धामों की यात्रा चलने वाली है, विरोध होगा तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से सूचनाएं जाएंगी, जो तीर्थ यात्री आएंगे वो भी यहाँ के बदहाल देखेंगे, स्थितियां देखेंगे, तीर्थ पुरोहितों को नारे प्रदर्शन करते हुए देखेंगे, इसलिए उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमें जो है देहरादून में बुला करके 11 तारीख को मीटिंग करा करके आश्वासन दे करके 30 अक्टूबर की तारीख हमसे ली। 30 अक्टूबर तक इन्होंने हमें कहा था कि देवस्थान पर कोई भी कोई ना हम ठोस निर्णय लेंगे, उसके बाद इन्होंने 30 के बजाय या 30 नवंबर की डेट दे दी है। सिर्फ इसके भंग करने की मांग पर अड़े या फिर आप ये चाहते हैं कि हाँ ये समस्या इसका समाधान हो जाए, बोर्ड बरकरार रहे? हम तो जी तिलक जी, हम तो आपके माध्यम से इनसे जानना चाह रहे हैं कि यदि यह देवस्थानम बोर्ड वाकई में बहुत बढ़िया है, जैसा मैडम कह रही थी कि बहुत खूबसूरत है, तो ये तो बता दे, जनता को बता दे, तीर्थ पुरोहितों को बता दे, पूरे भारतवर्ष को बता दे कि जो हमने देवस्थानम प्रबंधन
एक्ट जो है उत्तराखंड में लागू किया है, ये बहुत बढ़िया, तो इसकी 5 उपलब्धि बता दीजिए। मैं लखपत जी आ रहा हूँ, प्लीज पहले सरकार और जरा तीर्थ पुरोहितों के बीच में बात हो जाए, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको लखपत जी, आपको भी पूरा वक्त दूंगा। मैं इनकी 5 खामियां बताता हूँ। नहीं, 5 छोड़िए, मैं 3 पूछ रहा था, वो तो हेलीकॉप्टर मेरे को बता दिया उन्होंने, मैंने तो सिर्फ 3 पूछी। मैडम बताइए जरा, सीमा मैडम 3 बड़ी उपलब्धि बता दीजिए। सर देखिए, रोड कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया होगी, पहले थी, पहले रोड कनेक्टिविटी थी ऐसी, अरे रोड पहले सुविधाएं जो थी वो ऐसी थी, सुविधाएं जैसी आज 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 जैसे है वैसे थी, बिल्कुल वैसे ही था। देवस्थान का काम सड़क बनाना नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि जो जैसा देवस्थान गलत दिशा में ले जा रही है, आपको पता ही नहीं है, बिना अध्ययन के आप बैठ जाती है। अच्छा, देवस्थान बोर्ड ने सड़क बना दी, 1 सेकंड 1 सेकंड, 2 साल मिल गए आपको। अच्छा, 1 सेकंड, साल में कितना काल कोरोना काल में चला गया। ओके सीमा जी, आप कह रही है देवस्थानम बोर्ड ने सड़क बना दी, इसके आगे कौन सी उपलब्धि है? अरे मैं सर पूछ रही हूँ कि 2 साल पहले बोर्ड बना, उसके बाद कितना टाइम कोरोना काल में चला गया, ये भी बता दीजिए। कोरोना काल था जिस वजह से इनका भला नहीं हो पाया, वरना तीर्थ पुरोहितों का भला हो जाता है। भला की बात नहीं, अब लखपत जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, संगीता जी आपके पास, 1 सेकंड मैडम, लेकिन आप तब से विरोध में ही मैं बहुत एक बात को लेकर बड़ा हैरान हूँ लखपत जी, करते ना आप उसमें। लखपत जी, मैं एक बात को लेकर बड़ा हैरान हूँ, वो हैरानी इस बात को लेकर है कि वो एक तथाकथित फिल्म स्टार है कंगना, वो कुछ बोलती है तो खबर बन जाती है, और चार धाम यात्रा का मतलब पूरे देश के नजरिए से आस्था का जुड़ा हुआ विषय, और वहां तीर्थ पुरोहित 2 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, खबर नहीं बनती, मुद्दा नहीं बनता, पूछा नहीं जाता सरकार से कि हमारे तीर्थ पुरोहित क्यों नाराज हैं, क्यों आंदोलन पर हैं, लेकिन वो कंगना कुछ बोल दे तो उस पर पूरे देश में आग लग जाती है, तथाकथित एक्टर, तथाकथित जिसे मैं बोलता हूं। ये लखपत साहब, ये उत्तराखंड में इतना बड़ा विषय है, आप लोगों की खामोशी भी सवाल खड़ा करती है, वैसे बतौर विपक्ष दुर्भाग्य है, और मैं आपसे कह सकता हूँ आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये दोष विपक्ष का या जो आंदोलन कर रहे उन लोगों का नहीं, ये मीडिया जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र के अंदर होता था, आवाज नहीं आ रही सर, लोगों ने कई बार कह दिया कि ये गोदी मीडिया है, ये माना गया है कि ये गोदी मीडिया है, और ये लगातार उन चीजों को नहीं दिखाता जो लोगों के हित में। आपने देखा जहाँ किसान आंदोलन हुए उनको किसों से, खालिस्तानी पाकिस्तान, 3 दिन में बवाल खड़ा हो जाएगा लखपत जी। हेलो लखपत जी, 3 दिन में पूछिए कैसे, मैं बताता हूँ। आप कह रहे हैं ठीक है, मैं अपने गिरबान में झांक के सीधा मैंने कहा कि एक कंगना पर बहस हो जाएगी तो राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के नाम पर देशद्रोही भी घोषित हो जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। संगीता जी आप भी नोट करिए, मुझे बात करने तो दीजिए। लखपत जी बात रखिए, फिर बताता हूँ क्या रास्ता निकलेगा जी। मैं आपसे कह सकता हूँ देवस्थानम बोर्ड में सीधे सती जी सीधी बात कह सकता हूँ कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि मंदिरों के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड बनना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं, कल इन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर मोहन भागवत कहते हैं हिंदुस्तान के मंदिरों को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त किया जाए, 1830 के कानून को खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि केंद्रीय बोर्ड बनना चाहिए मंदिरों के लिए। और आप जहां भी देखोगे, क्योंकि आप अनुच्छेद 51 के अंदर आप देखोगे कि अलग से आप 1951 में 1926-27 में केंद्र सरकार ये पूरी की पूरी आजादी राज्य सरकारों को दी हुई है। राज्य सरकार जिस तरह से जहां भी भाजपा की सरकार, आप जानते 51 मंदिरों को उत्तराखंड में बंधक बनाने के लिए जो काला कानून लिया गया है, ये मैं समझता हूं कि जिस तरह से कृषि कानून पे कहा प्रधानमंत्री जी ने, मैं बहुत तपस्या की, 700 किसान मर गए, तपस्या प्रधानमंत्री जी ने की है, भूख से किसान मरे, सड़कों पे किसान रहे, बरसात में किसान रहे, उनको चीले उनके रास्ते में गाड़ी गई, कार उनके लिए किया गया, तपस्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मैंने उस विषय में कहा ना, मुझे एक उत्तर दीजिए, अगर आपके आंसू घड़ियाली नहीं है, सरकार कहती है बोर्ड अच्छा है, इस बोर्ड की जो सबसे बड़ी विफलता है कि पहली बार ये बोर्ड एक गावर को क्वारंटीन नहीं कर पाए, भगवान बद्रीनाथ के कपाट सनातन धर्म के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके कपाट, उनके भगवान के बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि बदली गई, ये ब्रजेश जी आप भी जानते हैं।
आप जानते हैं कि जिस तरह से इनका मिसमैनेजमेंट रहा इस समय लगातार, तो हमारे यहाँ पे जो यात्री कई लाखों की संख्या में आती थी नहीं आ पाए, आपने सुना नहीं, मैडम बता दी सड़क बना दी, रहने के लिए नहीं पाए, भोजन नहीं मिल पाए, जो सनातन काल की सनातन धर्म की सनातन संस्कृति की जो रीति रिवाज थे उस पर जिस तरह से इस सरकार ने कुठारा घाट के एक तरफ तो ये कहते कि हम हिंदुओं की बात सुनने वाले, संगीता शर्मा जी मैं रास्ता बताऊंगा इसका, अभी इसी डिबेट में बताऊंगा रास्ता, विपक्ष आप लोग जो है वो घड़ियाली आंसू कैसे बहा रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं, लखपत जी नाराज मत होइएगा, इसका उदाहरण मैं दूंगा आपको, एक सेकंड संगीता जी सुन लीजिए, संगीता जी आपने कहा कि वोट को भंग कर देंगे, सत्ता में आएंगे वोट को भंग कर देंगे, आप नया क्या करेंगे, वो तो अभी ये भी हो सकता है कि ये भी भंग कर दें, फिर नहीं ये भंग कर दें ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन दो साल से आप तभी भी स्वागत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, किसान आंदोलन का भी नहीं स्वागत किया आप लोगों ने, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं खाली, आप देवस्थानम बोर्ड का नहीं है और पूरे उत्तराखंड में सड़कों की क्या स्थिति है, आपने चार धाम में सड़क बना दी तो आप उसको देवस्थानम बोर्ड से मत जोड़िए, मैं देवस्थानम बोर्ड से नहीं जोड़ रही, काम शुरू होता अभी, ये देखिए सुविधाएं तो बढ़ रही है ना, आप ये सोचते नहीं है, आप लोगों को तो सिर्फ बहाने चाहिए, आंदोलन खड़े करने के बहाने चाहिए, अच्छा ये आंदोलन विपक्ष खड़ा कर रहा है, अच्छा ब्रिजेश जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कहने पर आंदोलन कर रहे हैं, आप एक मिनट बात सुन लीजिए प्लीज, संगीता मैडम की बात सुन लीजिए प्लीज, साथ अगर आपकी श्रद्धा होती है तो आप उनके साथ पहले खड़े होते, इलेक्शन के टाइम आप उनके साथ खड़े हो जाओगे, मैं करा दूंगा बंद, आप किसान आंदोलन का कितना आप लोगों ने स्वागत कर दिया, किसान आंदोलन का हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनके बारे में सोचते हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं और हो जाएगा जो उनको लगेगा सही, तो लीजिए उनसे तो बात कीजिए, आप तो तानाशाही का रवैया अपनाते हैं, पहले आपने किसानों पर एक कानून थोप दिया जिसे किसान मानने को तैयार नहीं थे, काला कानून का नाम दिया, आज आप वही उत्तराखंड में भी, जिन किसानों को हम नहीं समझा पाए वो खुद समझेंगे एक दिन, समय आएगा, ठीक है, लेकिन वो कानून भी उनके हित में ही था, एक सेकंड में था जो उनको समझ में आया है, तो चर्चा कर लूंगा मोदी जी ने पिता के नाते बच्चों की बात मानी, हम एक सेकंड, आपने उसका स्वागत नहीं किया, विजेश जी मैं उदाहरण देता हूँ, खड़े करेंगे, लड़ना नहीं है मैडम, लड़ना नहीं है, चर्चा बहस नहीं करनी, रास्ता निकालना, लड़ना नहीं है, संगीता जी और लखपत बड़ोला साहब पहले अपना विकास तो कर लीजिए, क्या विकास करेंगे आप दूसरों का, क्या विकास करा आपने आपका देश आज सुरक्षित है ना, कोरोना में ये बीजेपी के देन है, आज हर वार्ड में हर जगह आपको वैक्सीनेशन रोज मिलती है ना, ये बीजेपी का कारण है, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक सेकंड, सपनों में नहीं हो जाती हर चीज, मिनटों में समय लगता है हर काम को करने में, और समय उत्तराखंड बर्बाद करने के लिए, दिल्ली में तो पॉल्यूशन फैला दिया, उत्तराखंड की प्योर हवा लेने के लिए आ गया, मुद्दे पे आए, और उसके बाद मैडम मुद्दे पर आए प्लीज, प्लीज मुद्दे पर आए, संगीता जी प्लीज मेरी गुजारिश है, आप लोग कम से कम अगर तीर्थ पुरोहितों का हित नहीं कर सकते, कम से कम डिबेट में तो संवेदना रखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और फिर उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, लखपत बड़ोला जी आपने कहा कि इनकी मांगे जायज हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, संगीता जी ने भी यही कहा, मुझे एक बात बताइए, आपके तीन बड़े नेता उत्तराखंड में जो मौजूदा वक्त में, तीन बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष और एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा, ये बात संगीता जी आप लोगों पर भी लागू होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर अनशन पर बैठ जाओ, सांकेतिक रूप से क्या लखपत बड़ोला साहब, हरीश रावत जी 3 दिन इनके धरने पर बैठ सकते हैं, गणेश गोदयाल 3 दिन इनके धरने पर बैठ सकते हैं, बैठे हैं, प्रीतम सिंह जाकर तीन दिन धरने पर बैठ सकते हैं, आप कह रहे ना आप इनके हितों की, तो बैठिए इनके साथ सर्दी में, जरा पता चल जाएगा आपको, सुनाइए सर, मीडिया तय नहीं करे, आप कह रहे ना सुनाई क्यों नहीं देता, आप बैठिए धरने पर, ये राष्ट्रीय मीडिया की खबर बन जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया कवर करेगी आपको, सुन लीजिए, मैं आपसे पहली बात कह देता हूँ, एक तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, इस तरह की भाषा के डिबेट में बात वो न करें तो बेहतर होगा, अभी नहीं बहुत युवा है, पहली बात, हेलो मैडम डिबेट खोल के क्यों भाग गए, हेलो सीमा जी प्लीज बैठिए आराम से, आप सुनिए तो सही, विपक्ष को सुनिए, हेलो प्लीज सीमा जी प्लीज कंटिन्यू, लखपत जी हेलो,
मैं पहली बात कह सकता हूँ कि तिलक जी मैं आपको बताऊं आ रहा हूँ ब्रिजेश जी प्लीज लखपत जी अपनी बात कर ले मैं पूरा मौका आपको दूंगा फिर आपके और सीमा जी की मैं चर्चा करूंगा प्लीज लखपत जी अपनी बात रखिए जी पहले तो भाजपा की हमारी बहन बहुत युवा है नौजवान है ये चौथी देशद्रोही राजद्रोही चैनलों पे न कही तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप सत्ता में केंद्र में राज्य में भी भाषा का संयम रखिए जो बात कहनी आप अपने तर्क से कहिए पहली बात दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पे कांग्रेस ने सड़क में सदन में और सांकेतिक से लेकर और धरने प्रदर्शन तक कांग्रेस ने किया बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस ने श्रीनगर के अंदर हजारों की भीड़ की रैली हमने की उत्तर काशी के अंदर हमने कई हजार की रैली की है ऐसा नहीं कांग्रेस ने रैलियां नहीं की कांग्रेस ने लगातार चमोली के अंदर आप देखो जोशीमठ के अंदर हमने बहुत बड़ी रैली की है और हमारे बहुत सारे रैली की बात नहीं कर रहा उनपे केस भी हुए ऐसा कांग्रेस गांधी जी का मौन व्रत भी बहुत बड़ा काम करता था जरूर जी गांधी जी का मौन व्रत भी बहुत कुछ काम कर जाता था ये काफी आवाज नहीं आ रही मुझ तक ओके मैं एक बात ब्रजेश सत्य जी आपसे जानना चाह रहा था मैंने विपक्ष को भी समझने की कोशिश की इस मुद्दे को लेकर और सत्ता पक्ष को भी लेकिन उत्तराखंड की जनता एक बात आपसे जानना चाह रही है कि 11 सितंबर 2021 जब बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली आप लोगों को बुलाया गया बातचीत हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया देखिए उन्होंने हमारी बातों को सुना और वहां पर जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके पांव छूता हूं हमसे गलती हुई और मैं उस कैबिनेट का मंत्री था जिस कैबिनेट ने देवस्थानम एक्ट को प्रस्ताव पारित करने की जो भूल की थी तो उन्होंने क्षमा मांगी थी उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि आप लोगों के 8 तीर्थ को ही जो है आप दीजिए और हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो आप लोगों का पक्ष सुनेगी हमारी पंचायत ने 13 सितंबर को 8 लोगों के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए लेकिन 13 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच इन्होंने हमारे 8 लोगों को हाई पावर कमेटी में शामिल नहीं किया और 25 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष ने अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या रही है अभी भी ये हमको केवल डेट दे रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं हाँ आज मैं बता दूं कि जो आज डेवलपमेंट हुआ जो हमने मंत्रियों के आवास का घेराव किया उसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ आए और उन्होंने वहां पर मीडिया के सामने भी इस बात को दोहराई कि हम जो है सत्ता में आते ही इस कानून को खत्म करेंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी के लखपत जी भी बैठे हैं आप संगीता जी भी बैठी हैं 27 तारीख को हम चूंकि श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ था कैबिनेट से 27 तारीख को देहरादून में चारों धामों के तीर्थपुरोहित सामाजिक संगठन संत समाज एक आक्रोश रैली का आयोजन कर रहा है जिसे हमने काला दिवस के रूप में मनाने के योजना बनाई है उसमें आपके चैनल के माध्यम से आप दोनों लोगों से आग्रह करता हूं कि वाकई में आप लोग इस मांग के विरोध में हैं और आपको लगता है कानून गलत है तो आप हमारे साथ खड़े होइए जितने भी राजनीतिक दल हैं सामाजिक संगठन हैं हम आपको आह्वान कर रहे हैं चैनल में डिस्कशन करने के बजाय आप सड़कों में हमारे साथ आइए तभी पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ हैं ब्रिजेश भाई आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है वो पहले भी ये बात कह रही थी आज भी ये बात कह रही है और आगे भी ये बात कहेगी और आप 27 को आइए पता चल जाएगा आप हम आमंत्रित करते हैं आपको 27 को आइए काला दिवस के दिन ये प्रदर्शन भी किया था हमने पूरी 70 विधानसभाओं में इस बोर्ड को भंग करने के लिए प्रदर्शन भी किया था कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर आप 27 को देहरादून में आइए गांधी पार्क में आइए आप खड़े हैं मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से आपसे कहती हूँ कि 27 तारीख को हम आपके साथ खड़े हैं आम आदमी पार्टी हमेशा आपके साथ आमंत्रित कर रहे हैं हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं देखते हैं कि वाकई में ईमानदारी से कौन इस एक्ट के विरोध में एक सेकंड मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूँ मैंने ये तारीख का जिक्र इसलिए किया था कि 11 सितंबर 2021 कितना 11 सितंबर 2021 जहां तक मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने शायद 30 अक्टूबर तक का आश्वासन दिया था अगर ब्रिजेश जी मैं गलत हूंगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा 30 अक्टूबर आप सही है जी 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझा लिया जाएगा सीमा जी मैं गलत तो नहीं हूं बिल्कुल आज तारीख कितनी हो गई जी 23 नवंबर मुख्यमंत्री ने बोला था 30 अक्टूबर राज्य के सूबे के सबसे बड़े मुखिया ने बोला था 30 अक्टूबर आप नवंबर आ गया मैडम प्लीज मीटिंग को टाइम तो दिया है 30 नवंबर तक आपका सुलझ जाएगा मैडम 30 अक्टूबर को भी तो आपने यही कहा था
30 अक्टूबर की डेडलाइन किसने दी थी? देखिए सर, बोला है उनको 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर तक हो जाएगा। मैडम 30 अक्टूबर की डेडलाइन मुख्यमंत्री जी ने दी थी। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी बीच में, आपको भी पता था। इस बात की क्या गारंटी कि 30 नवंबर तक सुलझ जाएगा? नहीं, यहाँ भी कोरोना आ गया था क्या? कोरोना की बात नहीं है सर, अंदर हम लोग बातें चल रही थी अंदर की किस तरीके से इसको करें, और आप लोगों को इसलिए बुलाया भी गया था। दामी जी ने भी आपसे बात करी कि कुछ हो सकता है इसमें, समिति भी गठित करने की कोशिश करी, लेकिन जब सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो अब आगे चल रहा है विचार विमर्श। नहीं, विचार विमर्श हो जाएगा आपका। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये विपक्ष वाले पहले क्यों नहीं आए? अगर इनको इतना ही लग रहा था कि आप लोग सही हो तो पहले क्यों नहीं आए? आज आपके आह्वान करने पर आ रहे, वो भी इलेक्शन के टाइम। आप सोचिए ना, अगर इनके दिल में आपके लिए श्रद्धा होती या देवस्थानम बोर्ड के लिए श्रद्धा होती तो ये पहले आते, पहले जाके ऊपर बैठते ना आपके साथ ठंड में धरने पे, तब तो नहीं बैठे। आपने लखपत साहब सुना, आपने ये कह रहे जाके ठंड में बैठते तब पता चलता है इनको। आज सियासत कर रहे क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। अब ये कदम पीछे खींचेंगे, चुनाव की वजह से नहीं खींचेंगी, चुनाव क्योंकि आप ही के बड़े नेताओं ने कहा कि ये भंग होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है, हम क्यों भंग करेंगे इस बोर्ड को, इससे तो कल्याण होगा। और आज आप कह रहे हैं कि विचार चल रहा है इस पर। ओके लखपत बड़ोला साहब, वो ये कह रहे हैं इतनी हिम्मत थी तो ठंड में जाके बैठते ना आप। लखपत बड़ोला साहब, कल्याण तो किसान आंदोलन में भी हो रहा था, है ना, लेकिन जब बच्चों की जिद के आगे पिता झुक गया तो हम यहाँ भी सोचेंगे। मैडम सोचेंगे आपके, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, जरूर निकलेगा। ऐसी ये बताओ, यहाँ बैठ के मैं आपके मंच से मैं आश्वासन दे रही हूँ इनको कि सोल्यूशन जरूर निकलेगा। भगवान भला करे तीर्थ पुरोहित बैठे हुए हैं, कोई और धरने पर बैठा होता तो फिर उनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी हलवे पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाएगा। अब तक तो पता नहीं क्या क्या जो जो खालिस्तानी थे। आप ना, मैं आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सच बोलते हो, ठीक है एंकर साहब, लेकिन आपको भी पता है कि उस आंदोलन में खालिस्तानी भी आए और सारे पाकिस्तानी भी आए, सारे आए, लेकिन इनको हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि इनको हम ईश्वर की तरह इनकी रिस्पेक्ट करते हैं मैडम, लेकिन हम इनको नहीं कहते कभी, ना एक शब्द भी इनका इतना बोला गया। राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विषय, हिंदू मुसलमान तो करता ही नहीं। वहाँ पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने हमको कहा कि अगर ज्यादा देर धरना प्रदर्शन करोगे आज तो अरेस्ट कर लेंगे, गाड़ी खड़ी है, ये शब्द भी आज उपयोग हुए हैं। सीमा जी ने कहा कि 30 नवंबर तक का टाइम तो दिया है, मैंने तो पूछा 30 अक्टूबर तक का भी तो टाइम दिया था, 30 नवंबर तक अगर समस्या का समाधान निकल जाए तो लखपत साहब स्वागत तो करेंगे ना आप लोग। 30 नवंबर बोल रही है मैडम, सुन लीजिए, निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर ये जैसा पहले था ऐसी स्थिति बनाते क्यों स्वागत नहीं किया जाएगा? अगर सरकार देर से आए दुर्वस्त आए तो कोई इसमें दिक्कत, यदि हमारे लोगों की समस्या और पीड़ा दूर होती है और हमारे जो चार धाम की यथावत स्थिति वो चलती है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, पहली बात हमारी बहन ने जो कहा, मैंने स्पष्ट कहा कि मोदी जी भाजपा के पिता हो सके, देश के नहीं, लोगों के नहीं, मैं किसानों के पिता हूँ। देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, उनकी गलत नीति की वजह से 700 किसानों ने साधा थी, उनकी साधा का परिणाम हुआ कि नहीं वापस लेना। उन्होंने MSP मांगा था, उन्होंने 3 कानून नहीं मांगे थे तो उस दिए, पहली बात। दूसरी बात, देवस्थानम बोर्ड पे आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया, विदेशी आप जानते हैं उत्तरकाशी के अंदर कितना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, आप जानते हैं 2019-20 में कांग्रेस ने कितने बड़ा प्रदर्शन किया, सदन में हमने बाइकआउट करने का काम किया, सड़कों पे हमने धरना प्रदर्शन किया, गोपेश्वर में किया, श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली की है, आप लोगों के समर्थन में हम लगातार 2 साल से हम सनातन धर्म के समर्थन, हम संगीता जी कह रहे हैं 30 नवंबर तक 51 मंदिरों को बंधक बनाने का काम किया, पहले बंधक मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा 30 अक्टूबर को निकल जाएगा, उन्होंने कहा तो 30 अक्टूबर तक क्यों नहीं हुआ? अभी हमारी सीमा बहन जी कह रही है कि वहाँ पे जाइए, ठंड में 3 दिन गुजारिए, तो जब आप अपने मुंह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ ठंड है और ठंड में विपक्ष 3 दिन जाकर गुजारे, क्यों नहीं गुजारे अब तक, अब सपने में अब क्यों जाग रहे हो, अब क्यों जाग रहे हो बेचारे, 2 साल से बैठे थे धरने पे, आप क्यों नहीं गए? आप तो बहुत उदासी थे ना, तो क्यों नहीं गए? सच्चाई के साथ चलते आप जाते, आप नहीं गए ना, इसका मतलब आपके दिल में चोर था। आप इलेक्शन के टाइम उनके सामने आए, आप उससे पहले नहीं आए, आपको आना चाहिए था उससे पहले, बिल्कुल विपक्षियों को खड़े होना चाहिए, तो शायद जो जिन्होंने बोर्ड बनाया वो खड़े होते। अब उनके सामने क्या दिखा रहे हैं आप सब नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग,
कि हम आपके साथ हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं, हम उनके शुरू से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे धामी जी ने भी आपसे ही कहा था कि हम विचार कर रहे हैं, समिति बना रहे हैं और बनाई भी उन्होंने। मैं महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ, एक सेकंड तकनीकी नजरिए से, एक सेकंड, नहीं जगह जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप हमारे पुरोहितों को क्यों सड़क पर बैठाए हुए हैं? उनके पास जाकर के जल्दी बैठे पुरोहितों के साथ आप क्यों नहीं बैठी? आपको बैठना चाहिए था ना, तब हमको पता लगता कि हमारा विपक्ष इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पुरोहितों के साथ बैठा हुआ है, तो विपक्ष तब सो रहा था के लिए, आप घोड़ा बल के सो रहा था या दारू पी के सो रहा था? विपक्ष क्यों नहीं पुरोहितों के साथ बैठा? बैठना चाहिए था उन विचारों के साथ। कैसी भाषा का इस्तेमाल, जल्दी काम हो जाता और जल्दी काम होता। सत्ता में आप है, ये काम आपका है, आपको करना है। बिल्कुल हमारा काम है, हम कर रहे हैं अपने स्तर पे, कर रहे हैं और कर देंगे अपने स्तर पे। आप मत घी में आग लगाइए, कर देंगे हम लोग। अच्छा, ये घी में आग लगा रहे हैं, एक बात अभी आपका काम है, आप सोचिए। नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु छू रहा हूँ, आप एक सेकंड प्लीज आराम से। मैं फिर जैसी एक बात जानना चाहता हूँ, क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कोई भरोसा दिलाया है कि 30 तारीख को फैसला ले लिया जाएगा, 30 तारीख तक, क्या उन्होंने ये संकेत दिए कि कैबिनेट की बैठक में हम फैसला लेने वाले? देखिए तिलक जी, 9 अप्रैल 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में यही बात कही थी कि एक्ट पर पुनर्विचार होगा। धामी जी ने 11 तारीख को भी हमको यही कहा कि 30 अक्टूबर तक इसका फैसला हो जाएगा। आज 23 तारीख है, सुबोध उनियाल जी ने विरोध को देखते हुए आज फिर आश्वासन दिया है, तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन, इसके अलावा नहीं, कुछ मैं नहीं। तारीख का जिक्र क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसलिए जानना चाह रहा था आपसे कि क्या उन्होंने ये कहा है कि हम 30 तारीख को कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लेने वाले हैं, क्या उन्होंने ये आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा आश्वासन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक आप रुकिए। 30 तारीख तक आप जी, इस बात को बेहद ध्यान से सुनिएगा सीमा जी, सत्र कब आहूत होने वाला है? ये शुरू हो जाएगा और इसमें ये बात रखी जाएगी जरूर। नहीं नहीं, सत्र कब से आहूत होना है? फैसला तो देखिए कैबिनेट ने लेना है, फैसला कैबिनेट ने लेना है, सत्र कब आहूत होना है? 6 या 7 को? 8 को, 7 से शुरू होगा, 8 दो दिन का। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सत्र आहूत होने से सोच रहे कि कैबिनेट में रखी जाएगी ना सत्र में जी, कैबिनेट तो पहले, अगर पहले बोल दिया गया, उनको टाइम दे दिया गया है, तो नहीं, बात कैबिनेट, पहले भी हो जाएगी। कैबिनेट पहले होगी ना मैडम, कैबिनेट पहले होगी ना सत्र से पहले। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ब्रजेश जी, जब सत्र आहूत होता है उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग नहीं होती। आई एम राइट? जी जी, मैं सही हूं सीमा जी? जी, आप इतना नाराज होकर क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रही हूं कि अगर कभी इतना बड़े इंसान ने जब आपसे कुछ बोला है तो आपको इस बात पे नहीं नहीं, मैं बहुत, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं सुबोध जी का, उन्होंने बोला है तो कोई उसका उसके पीछे वजह होगी, लेकिन मैं तकनीकी नजरिए से भी एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं। अगर सत्र आहूत होना है उससे पहले कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक में ये फैसला होना है और कैबिनेट की बैठक ब्रीफ नहीं होगी, तो फिर किस आधार पे उन्होंने कह दिया कि 30 तारीख को जो है हम समस्या का समाधान कर देंगे? क्या ये विषय नहीं है? क्या अगर कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी तो आप किस आधार पे एक बता देंगे कि हमने जो है ये फैसला ले लिया कि हम जो है इस बोर्ड को भंग कर रहे हैं या फिर हम उस बोर्ड पे समाधान निकाल रहे हैं? सवाल जायज है कि नहीं सीमा जी, जवाब दीजिए जी। कुछ फैसले कैबिनेट में के ब्रीफिंग के बिना भी हो जाते हैं अगर करने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं तो। किसी एक इंसान का फैसला होता तो जरूर एक्ट खत्म हो चुका होता, लेकिन ये फैसला भी तो कंपाइल
करना पड़ेगा, सब लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। वो सुबह 9 बजे आकर सबको भी बोला था ना, वो भी तो भाजपा के देश का फैसला था ना। पहले आप तो वो भी सोच रहे होंगे ब्रीफिंग नहीं होगी, जब उन्होंने आके कह दिया तो तकनीकी पहलू पर आपकी मंशा पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि 30 अक्टूबर की डेडलाइन आप ही ने दी थी। मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ जी, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि 30 अक्टूबर की डेडलाइन आपकी थी। पॉजिटिव रहिए, अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो बात क्या मैं मानूं? उनको भी थोड़ा जैसे देश के प्रधानमंत्री जी आकर सोच रखिए सीमा जी, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी आए सुबह 9 बजे, तो वैसे ही तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए हमारे राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री जी आएंगे और कहेंगे कि हमने ये फैसला वापस ले लिया क्योंकि तीर्थ पुरोहित नाराज थे। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट बोल सकते हैं और मुख्यमंत्री जी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं और कुछ और भी बोल सकते हैं। लखपत साहब सुना आपने, संगीता जी सुना आपने, मैं सवाल जो है उसके पीछे कोई आधार होता मैं तभी पूछता हूँ। सुना आपने, तारीख नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। नहीं 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 घुमाइए मत अब मुझे, एक सेकेंड लखपत साहब, तारीख 23 तारीख, टाइम हो रहा है 5:40। नोट कर लीजिए जो बात मैंने पूछी अभी इनसे, आपको लगता है यही होने वाला है? जी, इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री जी का भरोसा नहीं है तो लोग इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तीर्थ पुरोहितों के हाथ उन्हें वापस मिलता है और उनके पक्ष में फैसला जाता है ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है कि जब इस काम को आपको करना है तो आप उसके लिए इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं, किसकी राय आपको चाहिए? मुख्यमंत्री आंदोलन देखिए हर जगह सियासत नहीं की जाती, आप भी तो कर रहे हैं, आप हुकूमतारियों पर सियासत करने में शर्मानी चाहिए। मत करिए सियासत, मत करिए, आप कर रहे हैं सियासत। वो मंदिरों में बैठकर पूजा अर्चना करना है और जो वहां जाते हैं दर्शनार्थी उनकी सेवा भाव का है, ये उनका अधिकार नहीं है कि वो आकर के सड़कों पर बैठे हैं, ये उनका काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको उनका हक मिलना चाहिए, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए धामी सरकार जो इतनी देर लगा रही है उसे पहले ही सोच लेना चाहिए। त्रिवेंद्र सरकार जी, फिर तीरथ जी, फिर आज धामी जी, तीन मुख्यमंत्री इस बात पर अभी तक फैसला ही नहीं ले पाए हैं कि उन्हें करना क्या है। और तारीख पे तारीख देकर के अभी भी 30 तारीख आप देखते हैं कि क्या होता है, इस पर भी अभी देखना बाकी है कि क्या होता है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि अभी भी ये श्योर नहीं है कि इन्हें करना क्या है। अभी भी इनको बहुत सारी चिंतन मनन करना है, आपकी नियत पर यकीन नहीं है? हमें तो इनके पूरे पूरे अस्तित्व पर यकीन नहीं है, तो ये मेरी नियत पर यकीन करना है। हमारा अस्तित्व तो पूरा विश्व जानता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे आदरणीय पार्टी, क्या क्या मुकाबला करेंगे आप हमारे साथ? क्या अस्तित्व की बात कर रहे हैं आप? इंतजार करिए मैडम, इंतजार करिए, बस इंतजार करिए और रिजल्ट सामने आ जाएंगे। क्रिटिसाइज मत करिए क्योंकि आप नहीं, आप स्टैंड होने लायक ही नहीं है हमारे सामने। प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, उसे तोड़ते हैं और बाबा ही लूट रहे हैं। ये आपने काम किया है? प्रथा को आप जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, और संस्कारों को हमने सहेज के रखा आप जानते हैं? दिल्ली में धज्जियां उड़ा दी आपने, पंजाब में धज्जियां उड़ा दी संस्कारों की, आप बताएंगे हमको कि परंपराएं क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं? हमने कभी उनका अनादर नहीं किया, हमने उनको ये हाथ जोड़ के हमेशा खड़े रहे उनके सामने। गलत है तो गलत और है। अपनी बात रखने का सरकार को भी अधिकार है और उनको भी अधिकार है, पंडा पुरोहित जी को भी, और वो भी अपना अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने करा, अब वो कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो सही लगेगा कर देंगे। लेकिन ये जायज है कि वो भी नाराज नहीं होंगे, इतना मैं आश्वासन दे सकती हूँ। धर्म तो आपको आता ही कहा, धर्म पढ़ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तानी है, आपका काम ही सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कोई डिबेट बिना पाकिस्तान के हो सकती है? कोई चर्चा बिना पाकिस्तान? सीमा जी मुस्कुरा रही हैं आप, मैं कह रहा हूँ कि जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसको छोड़ के चर्चा करिए ना, क्योंकि सपोर्ट इनको चाहिए ना। अच्छा, इनको पाकिस्तान चाहिए, उसके बिना ये लोग जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। एक सेकंड, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड जी, बिल्कुल। दो साल से तीर्थ पुरोहित नाराज है, 2019 से अपना आंदोलन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, आपको इनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? अगर नहीं पड़ता होता तो मुख्यमंत्री जाते क्या उनके पास?
कितनी बार क्यों नहीं बात कर रही, चुनाव आ रहा है इसलिए कर रही है। उनके पहले भी उनसे बात करी, अभी मुख्यमंत्री जी धामी जी भी उनके पास गए, बातचीत करी। धामी जी तो अभी मुख्यमंत्री बहुत सारे, आपको पता है कितना सारा अभी रखे परिसंपत्ति मामला सुलझाया। एक ही तो इंसान है ना वो पहले वहां पे गए, वो भी जरूरी था आपके पूरे राज्य के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट था, उसको सुलझा के आए हैं, अब वो फिर आए यहाँ पे फिर बातचीत कर रहे हैं। इंसान तो एक ही है ना, थोड़ा समय तो दे दीजिए ना, आपका ही राज्य है, तरक्की होगी तो आपके ही राज्य की होगी, हम सबकी होगी। हम तो चाहते हैं एक इंसान अगर आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है तो दे दीजिए समय। हम तो चाहते हैं अगर मुख्यमंत्री बदलने से तरक्की होती है तो आप हर महीने मुख्यमंत्री बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी अगर जायज है तो अब तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया दो साल से। देखिए बात तो वही थी ना कि बातचीत चल रही थी, जब वो नहीं माने तो ये भी देखा जाएगा कि नहीं माने तो उसका और क्या सलूशन निकले, है ना। मैं तो आपको यही कह सकती हूँ कि बातचीत हम लोग अंदर खाते बहुत कुछ कर रहे हैं, सब तरह के स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम क्या कर सके और जो अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो नहीं माने उनकी एक ही है कि नहीं हटाओ तो फिर वो भी भंग नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए वोट को भंग नहीं करेंगे हम। पहले तो यही देखा जाता है कि उसका कोई बीच का सोल्यूशन निकल सकता है क्या, नहीं निकला। बीच का सोल्यूशन निकलने की हर तरीके से कोशिश करी गई और अभी भी चल रही है, बाकी देखेंगे। अच्छा तो मतलब बोर्ड भंग तो नहीं होगा ना अभी भी? पर मैं जब मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं कब से कह देती, मेरे पास नहीं है ना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ आपकी तरह, बातचीत जब चल रही है। एक इंसान का फैसला होता ही नहीं है ना, एक सरकार चलानी एक इंसान के हाथों तो नहीं चलती, तो वो सबसे मिलके जो बातचीत होगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो। मैं ये बात इसलिए कह रहा था और आपको बता, मनोहर कांत ध्यानी जी ने कहा था कि बोर्ड किसी भी कीमत पर भंग नहीं होगा। मनोहर कांत ध्यानी जी ने कहा था बोर्ड किसी भी कीमत पर भंग नहीं होगा, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। हमने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, जब उन्होंने बोला तो पास्ट हो चुका है, पर हमने जो बोला वो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया, अभी चल रही है बात। और सर कितने दिन रह गए, 30 तारीख को जो भी फैसला लेते हैं आप यूं कर लेते हैं, कल को यही बोलेंगे ना, आज 23 तो हो गई है, रुक जाइए जरा 6-7 दिन की बात है, फिर डिबेट कर लेंगे, मैं भी करूंगा और आप भी। कमेटी गठित कर देते हो, जो फैसला लेते हो उस पे कमेटी गठित कर देते हो, जो फैसला लेते हो उसमें कमेटी गठित हो जाती है। सर कोई भी फैसला एक इंसान का नहीं होता, मैंने कहा जो फैसला कैबिनेट में लिया, कैबिनेट सर्वमान्य है, कैबिनेट ने फैसला सोच समझ कर लिया होगा ना। किसकी सुनेगी, पहले कैबिनेट एक बनेगी, समिति बनाएगी, अपने ही फैसले पर कमेटी गठित कर देते हैं आप, तो कमेटी वालों से पूछा जाएगा कि क्या आपको सही लग रहा है, तो ये खेल चल रहा है, किया जाएगा। अब एक उदाहरण देता हूँ और आपको, मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, लोकायुक्त खंडूरी जी का सपना, अब देखिए जीरो टॉलरेंस की सरकार पार्टी विद द डिफरेंस, लोकायुक्त आज तक नहीं है उत्तराखंड में, परवर समिति के पास है, किसने सिफारिश की, यह सिफारिश विपक्ष करता है, लेकिन यह पहली बार है जब सरकार की तरफ से यह सिफारिश की जा रही है कि इसको परवर समिति को सौंप दो, है ना गजब। सीमा मैडम गलत बोल रहा हूं, नहीं, गलत क्यों बोलेंगे आप, नहीं मैं तो तर्क के आधार पर कह रहा हूं, आप जो फैसला लेते हैं वो कमेटी को सौंप देते हैं, क्यों? वो इसलिए कर देते ताकि पक्षपात ना हो कहीं पर, ताकि लंबा एक इंसान गलत बोलेगा ना, दो बोलेगा, जब चार लोग या सात लोगों की कमेटी बैठाई जाएगी। ओके, फाइनल कमेंट संगीता जी, क्यों शक है आपको बीजेपी की नियत पर, वो कह रहे करेंगे हम, अब सोच लेंगे, वो पास्ट की बात थी, इतिहास था जब मनोहर कांत ध्यानी जी ने कहा या मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं भंग करेंगे, ये हमारा फैसला है, क्योंकि इससे तीर्थ पुरोहितों का फायदा होगा, उत्थान होगा, लेकिन अब नहीं मान रहे तो वो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आपको नियत पर शक क्यों? देखिए इनकी कथनी और करनी में हमेशा से बहुत ही फर्क रहा है, ये कहते बहुत कुछ हैं और करते क्या हैं ये सबके समक्ष। केजरीवाल और रही बात मनोहर लाल ध्यानी जी ने जब कहा कि हम इस फैसले को भंग नहीं करेंगे, और अभी सीमा जी कह रही थी कि ये हमने नहीं कहा, तो भाई उन्हीं की पार्टी ने कहा, और जो कमेटी गठित की गई धामी जी के द्वारा उसमें जिसे बनाया गया उन्होंने ही ये बात कही, तो ये गलत कैसे हो सकता है? कहा कि हमने नहीं कहा, मैंने ये बात बोली, ये पास था, उन्होंने जरूर बोला होगा, लेकिन हम इस पे विचार कर रहे हैं, यही तो बोला, मैंने तो नहीं बोला, इन्हें फैसला नहीं लेना होता, खुद ही ये पावर में है, खुद ही ये सत्ता में है, और खुद ही ये कमेटियां बनाते हैं, सारा कुछ काम ही खुद ही कर लेते हैं।
जो लोग जिनके लिए फैसला ले रहे हैं उसका कोई मेंबर इनकी कमेटी में नहीं है कि वो भी अपनी राय रख सके या अपना पक्ष रख सके। ठीक, खुद ही इन्होंने जब सब कुछ करना होता है तो जनता के सवाल, आखिरी सवाल, आपको उम्मीद है सीमा मैडम, मैं जानता हूँ फैसला लेने का अधिकार आपका नहीं है, 30 तारीख तक रास्ता निकल आएगा लगता है आपको, इस वाली 30 को, 30 क्योंकि इसके बाद तो फिर चुनाव है, फिर आचार संहिता है, नाराजगी है, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी, 51 मंदिर प्रबंधन सब कुछ है ना मैडम, और आप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी नाराजगी कहीं ऐसा ना हो, सत्ता में वापसी करनी है तो रास्ता तो वहीं से आना है, तो आपको लगता है 30 तारीख तक हो जाएगा फाइनल? जी बिल्कुल, आशा और विश्वास का बंधन कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और मैं भी पकड़ के बैठी हूँ जैसे पुरोहित बैठे हैं पकड़, यानी बोर्ड का भंग होना निश्चित है ना सीमा जी? निश्चित, फिर मैं नहीं बोलूंगी, उम्मीद है आपको कि बोर्ड भंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपका भी, संगीता जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, और विजय सत्ती साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात को आधार के साथ रखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूछता है उत्तराखंड में आज सवाल यही था कि आखिरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी कितनी वाजिब है, सरकार के रुख से साफ है कि तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को अब वो लंबा खींचने के मूड में नहीं है, ऐसे में इस बार की 30 तारीख की डेडलाइन रास्ता निकाल सकती है, क्या वही होगा जो कृषि कानूनों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने किया, वही धामी सरकार इस बोर्ड को लेकर करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे ऐसे मुद्दे के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वापस तो नहीं चलेगी।